हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यू टेक पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फेस ऐप के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि फेस ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो फेस ऐप यूज़ करने में जो हम लोग को समथिंग वेंट रॉन्ग का जो एरर आता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वीडियो दोस्तों आखिर तक देखना ताकि आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो जिनको फेस ऐप है क्या वो मालूम नहीं, उनके लिए बता। तो फेस ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके यंगर लुक को ओल्ड में कन्वर्ट कर देता है, या फिर ओल्ड लुक को यंगर में कन्वर्ट कर देता है। अगर इस पे आप कोई भी फोटो अपलोड करते हो या फिर चूज़ करते हो, तो उसको आप बहुत सारे इफेक्ट दे सकते। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आते हैं उसे भी याद से दबा देना। और इस बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। तो अगर आपको डाउनलोड नहीं करना तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा वक्त लगा क्योंकि ये 9 MB का एप्लीकेशन है, और ये दोस्तों फिलहाल ट्रेंड कर रहा है एप्लीकेशन। तो इसको हम लोग फटाक से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जो कि फेस ऐप का प्रोमो, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद मेन एप्लीकेशन खुल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे एग्री पे क्लिक करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्री पे क्लिक करने के बाद ही ये एप्लीकेशन आपको परमिशन देता है स्टार्ट करने की। तो सिंपली आपको पहले तो गैलरी की परमिशन देनी है इस एप्लीकेशन को, अलाउ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गैलरी ओपन हो चुका है। इसमें से आपको फोटो चूज करना है जिसको आप इफेक्ट देना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने जो फोल्डर में फोटो सेव किया है वो फोल्डर ढूंढ के, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फोल्डर ढूंढ लिया। उसके बाद मैं यहाँ से मेरा फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको देखा ही देगा कि यहाँ पे देख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर टेम्पररी सर्वर नॉट अवेलेबल का एरर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे और भी, मैं अगर आपको लगता है कि एक ही फोटो पे ही होता होगा तो मैं आपको दूसरा फोटो भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा फोटो सिलेक्ट करने पर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, फिर से आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और आपको सर्च मारना है, सर्च बार में आपको सर्च मारना है टर्बो VPN। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं उसका स्पेलिंग डाल रहा हूँ। अगर आपको नहीं डाउनलोड करना तो, या फिर आपको सर्च करने में कोई दिक्कत आती है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टर्बो VPN ऐप करके भी आप सर्च मारते हो। यहाँ पे देख सकते हैं खरगोश का जो सिम्बॉल दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 100 मिलियन के ऊपर इसके डाउनलोड है। तो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड होने के लिए। तो टर्बो VPN ब्राउजर जो है वो ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम लोग कोई भी अनलॉक वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। तो इंस्टॉल होने के बाद बस इसमें थोड़ी सी हम लोग को सेटिंग करनी है, और हम लोगों जो समथिंग वेंडर का एरर आ रहा है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक मारना है। आई एग्री के बाद आपको नो थैंक्स पे क्लिक मारना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो अभी हम फिलहाल एक्चुअल ब्राउजर में आ चुके हैं। एक्चुअल ब्राउजर में आने के बाद आपको बस टैप टू कनेक्ट पे क्लिक मारना है। टैप टू कनेक्ट पे क्लिक मारने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बस ओके पे क्लिक मार के आपको इस एप्लीकेशन को VPN कनेक्ट करने के लिए परमिशन देनी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट में आपको अर्थ का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक मारना है। उस पर क्लिक मारने के बाद यहाँ पे फ्री का जो ऑप्शन दिख रहा है बाजू में, फास्टेस्ट सर्वर के बाजू में फ्री का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक मारना है। उसके बाद आपको नेदरलैंड कंट्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे सेकंड लास्ट में नेदरलैंड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक मार देना है। तो नेदरलैंड पे क्लिक मारने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि कनेक्टिंग का होगा। कनेक्टिंग होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ कनेक्टेड हो चुका है। कनेक्टेड होने के बाद आपको फिर से जो फेस ऐप एप्लीकेशन है उस पर जाना है। तो सिंपली आपको होम का बटन प्रेस करना है। होम बटन पे प्रेस करने के बाद आपको फिर से फेस एप्लीकेशन में जाना है। तो फेस एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको फिर से अभी कोई भी फोटो आप यहाँ से लोड कर देना है। मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड किए, तो उसमें से मैं एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो लोडिंग हो रहा है। तो लोडिंग होने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिलहाल पूरा फोटो लोड हो चुका है। तो यहाँ ऐसे ही दोस्तों आप वो समथिंग वेंट रॉन्ग का जो एरर आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में बहुत सारे हम लोग को फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो अभी फिलहाल के लिए जो
ट्रेंडिंग में चल रहा है एज का, मतलब जहाँ से हम लोग हमारे यंग फोटोज को ओल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैं फिल्टर आपको यहाँ पे इस फोटो पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एज का हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है, एज पे क्लिक मारने के बाद ओल्ड पे आपको क्लिक मार देना है, उसके बाद आपको बस अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिस हेम्सवर्थ का फोटो है वो यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड हो चुका है, तो इस पे सिर्फ आपको बस अप्लाई कर देना है और ये फोटो आप अपनी किसी भी सोशल मीडिया साइट पर शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फोटो का आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट में आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक मारने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आपकी जो गैलरी है उसमें सेव हो जाता है। यहाँ पे क्लिक मार के आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर का हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप पर भी शेयर करना चाहते हैं तो जो बाजू में जो 3 डॉट का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक मार के आप ये फोटो व्हाट्सअप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल फोटो डाउनलोड किए, तो हम लोग अभी फिलहाल जो अल्लू अर्जुन का फोटो है उसको हम लोग एज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, मतलब जो बुढ़ापे में कैसे लग सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे फिल्टर के फोटो को हम लोग ओल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और ओल्ड का जो फोटो है उसको हम लोग यंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्लू अर्जुन के फोटो को हम लोग अगर ओल्ड का लुक देते हैं तो कुछ वो ऐसे दिखेंगे। तो इसके बाद दोस्तों उसमें बहुत सारे फिल्टर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बियर्ड का इसमें फिल्टर है, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस एवंस का एक फोटो लोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें हम लोग इसको बियर्ड भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी अपना विदाउट बियर्ड वाला फोटो है तो इसमें हम लोग बियर्ड का भी हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग अभी बियर्ड ट्राई करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बियर्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि हम लोग को प्रो वर्जन में देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग को एक फ्री का बियर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने बियर्ड का ऑप्शन इस पे अप्लाई कर दिया फोटो पे, इसको आप अभी सेव भी कर सकते हैं अपने गैलरी में। तो यहाँ पे से मैंने सेव कर लिया है और इसके बाद इस फोटो को हम लोग किसी भी सोशल मीडिया साइट पर शेयर कर सकते हैं। इसमें हम लोग को दोस्तों सेलिब्रिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग VPN यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं लोड करने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये लोड हो नहीं रहा है। तो इसके बाद हम लोग अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पिक्चर ले लेते हैं तो दोस्तों इसको हम लोग बहुत सारे कूल इफेक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फिल्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो आप भी इस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो को हम लोग अगर ओल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, और इस फोटो को हम लोग और भी यंगर जनरेशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कैसा दिख सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यंग का लास्ट में दोस्तों ऑप्शन में मिल जाता है, तो उस पर क्लिक मारने के बाद वो फोटो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस ऐप की दोस्तों यही खास बात है कि हम लोग ओल्ड को यंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और यंग को ओल्ड में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को याद से लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।